ये मेरे पापा हैं और ये है मेरे कुछ कलेक्शन ऑफ तबला। ये है मेरा रूम। तो आज मैं इस प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगी, आज इस प्रोग्राम की एंकर और रिपोर्टर है मैथिली ठाकुर। नमस्ते, प्रणाम सब गोटे के, हम छी मैथिली ठाकुर और R9 TV के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ इस स्पेशल प्रोग्राम में, जहाँ पे की एंकर मैथिली ठाकुर है। और R9 TV का बहुत सारा धन्यवाद जो अपने चैनल को इतने बड़े रिस्क में रख रहे हैं मुझे रिपोर्टिंग करवा के। और सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे इस प्यारे से घर में मैं कैसे रहती हूँ, क्या क्या करती हूँ और मेरे दिन भर क्या क्या दिमाग में चलता रहता है और कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले घर में कोई भी एंटर करता है तो मेरा ये बड़ा सा अवार्ड दिखता है। मेरे पापा को बहुत शौक है तबला, हारमोनियम या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आया हो अच्छा सा तो उसको अपने घर में लाने का। मेरे पापा जी जो यहाँ बैठे हुए हैं और पापा दिन भर पापा के हाथ में फ़ोन रहता है बेचारे, अकेले मेरा हम तीनों का सारा सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, सब लोगों का जवाब देना, व्हाट्सएप पे सारे लोगों से कन्वर्स करके उनको समझाना और जितने भी लोग हमसे हमारे तरफ आना चाहते हैं, मतलब हमसे बात करना चाहते हैं उनको पापा हैंडल करते हैं। तो रूम में घुसने से पहले ये है हमारा किचन एरिया जहाँ मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत सारे खाने बनाते हैं, मेरे लिए नहीं हम सब के लिए। और ये रहा मेरा छोटा सा रूम जिसमें हमारा पूरा दिन बीत जाता है। हम लोग यहीं पे खाते हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं, यहीं पे सोते हैं और यहीं पे लड़ाई भी करते हैं बहुत ज़्यादा। और मिलिए मेरे दोनों भाइयों से जो दिन भर मेरे साथ बहुत सारा मस्ती करते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे रियाज करते हैं। ये हैं ऋषभ ठाकुर, जिनको आप सभी ने टीवी पे या फिर फ़ोन पे तबला बजाते हुए देखा होगा। और ये हैं अयाची ठाकुर, जो मुझसे 6 या 7 साल 6.5 साल छोटे हैं और अयाची मेरे साथ गाते हैं। और सबसे मेन पार्ट जो लोगों को अयाची के बारे में पसंद है कि ये बहुत अच्छा क्यूट है, बहुत अच्छे से स्माइल करता है और हम लोग जब कव्वाली गाते हैं तो इसका एक अलग प्रेजेंटेशन होता है जो लोगों को बहुत पसंद है। खैर इन लोग का तो आपको मालूम है, खैर मैं अपने बारे में आपको कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। भाई ये वो धुन है, संगीत है जो आज के डेट में हर घर घर में सुनाई देता है। भाई मैथिली ठाकुर के घर पे आए हैं और उनकी मधुर संगीत ना सुने ऐसा कैसे हो सकता है। मैथिली, बहुत अच्छा मौका मिला है कि R9 की टीम आपके घर पे आई है, तो आपकी गीत को सुने बिना हम नहीं जा सकते। आपने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की, आप अपने घर के बारे में बताए, पर हम चाहते हैं कि आज हमारे व्यूवर्स को आप आज वो गीत सुनाएं जिसने आपको पहचान दिलाई है, जो आपके दिल के बहुत करीब रहा है और शायद वो गाना आप हर इवेंट में गाती हो या वो गाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। सबसे पहले जितने व्यूअर्स हैं उनको उनको नमस्ते और R9 TV को बहुत सारा धन्यवाद जो मुझे रिपोर्टिंग करने का मौका मिला पहली बार किसी नेशनल न्यूज़ चैनल पर। और इसके बाद जैसा आपने बोला, बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो मेरे बिल्कुल दिल के करीब है, लेकिन एक गाना है जो मैं जहाँ भी जाऊँ, मंच कैसा भी हो, लोग बिल्कुल फरमाइश करते हैं कि ये गाना ज़रूर होना चाहिए। इसके बारे में एक किस्सा भी है मेरे पास, वो बहुत थोड़ा ही छोटा है लेकिन बाद में सुनूंगी जी। तो पहले वो गाना सुन लेते हैं जो मैथिली के दिल के बहुत करीब है, तो आप भी सुनिए, उसके बाद किस्सा सुनाएंगे। Thank you.
अकेले यहाँ पे बैठ के झूमने को मजबूर हो सकती हूँ, तो जरा सोचिए जब लाखों लाखों लोगों के सामने मैथिली परफॉर्म करती होगी तो उनके मन में कैसी फीलिंग्स आती होगी। मैथिली, मैं देख रही थी कि आप जब भी गाना गाती हैं तो ये जो आपका छोटा सा भाई अयाची है उसकी स्माइल मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने कई आपकी ब्लॉगिंग भी देखी है या यूट्यूब के वीडियोज़ भी देखे, इनके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो बिल्कुल अलग होते हैं, तो आप इन्हें बोलती हैं करने के लिए या खुद ऑटोमेटिक करते हैं? मैंने ब्लॉगिंग का आइडिया ही इसलिए शुरू किया कि मुझे ऐसा मन में हुआ कि मेरे दो भाई से ज्यादा नमूने कोई हो नहीं सकते। नहीं, झूठ बोलती है। मतलब दीदी ब्लेम करती रहती है। हाँ। नहीं, ये बहुत फनी है, बहुत मतलब इसका एक्सप्रेशन और उसके एक्शन ऐसे होते हैं ना जो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती कि कैसी कैसी हरकतें करते हैं। जिन्होंने मेरी व्लॉग्स देखे हैं, व्लॉग का आइडिया इसलिए आया कि इसके जो ये हरकतें हैं जिससे मैं इतना ज़्यादा इंटरटेन होती हूँ, लोग कितना इंटरटेन होंगे। आपस की ट्यूनिंग है, खैर भाई बहन की बातें हम भी पूछेंगे, लेकिन आप कुछ किस्सा बता रही थी। बिल्कुल, अभी कुछ ही 2-4 दिन पहले हम लोग खजाना होता है हर साल मुंबई में, गज़ल फेस्टिवल होता है, तो इस साल हम तीनों को भी मौका मिला उधर परफॉर्म करने का। उधर हम लोगों ने गज़ल गाया था और जब गा करके नीचे स्टेज से उतरे तो जितने भी सुनने वाले आए हुए थे, अरे मैथिली आप तो अपना वो गाना सुना ही नहीं, जग जग जिया सुला ललनमा जो आपका हम लोग सुन के आपको इधर सुनने के लिए है। और मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि ये स्टेज आप पे इतने बड़े बड़े लोग गा रहे हैं, गज़ल गा रहे हैं, अपनी चीज़ें गा रहे हैं, उधर लोग जग जग जिया सुनने के लिए भी वेट कर रहे हैं, तो काफी मजा आया। तो दूसरे दिन भी हमको मौका मिला परफॉर्म करने का, हमने जरूर गाया ये गाना। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि R9 की टीम को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये गाना सुन के। खैर, ये तो रही आपके दिल के करीब गीत की बात, लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है, और मुझे बहुत ही पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली हैं अपनी सिंगिंग को लेके, पर आपका कोई बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा खास गाना जो आपके दिल के करीब है, या आपको वो गाना बहुत ज़्यादा गाने में मज़ा आता है, वो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को। अभी जो गाने में आपको सुनाने वाले बहुत क्लासिक है और यंग से लेकर के जितने भी उस जमाने के लोग हैं सभी को बहुत पसंद है। मेरे पापा का स्पेशली बहुत ज़्यादा फेवरेट है गाना। तो मैं भी कुर्बान। ऋषभ, कुर्बान की जब बात आ ही गई है तो आपके पीछे तो अभी तो एज आपकी बहुत कम है, पर जिस तरीके से आपकी जो फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे, लड़कियां परेशान करती होंगी, कुछ आपके जो R9 TV के व्यूवर्स है, जो फीमेल व्यूवर्स है, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? मतलब आपने पहले ही जज कर लिया, बस ये कुछ नहीं बोला? अरे ये हाथ नहीं मिलाते किसी से, अगर आप बोलते थे ना हेलो ऋषभ कैसे हो तो नमस्ते, मैं ठीक हूँ ना। अधूरे हैं मैथिली, शायद अपने दोनों भाइयों के बिना अधूरी हैं, और ये दोनों क्यूट से भाई मैथिली के बिना अधूरे हैं, और इन तीनों की तिगड़ी वर्ल्ड तक फेमस होती जा रही है ये तो आप सभी जानते हैं। तो चलिए बातचीत करते रहेंगे, पर फिलहाल एक बॉलीवुड का गाना हो जाए। मैथिली, फटाफट एक रैपिड फायर का गेम खेलते हैं, फटाफट आंसर देना बस, आप मतलब दोनों ये मत कहना कि नहीं दोनों ही है, मुझे एक आंसर चाहिए, दोनों में से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? ओह माय गॉड, सीरियसली ऐसा है? नहीं, इसका सीरियस वाला गुस्सा आता है, इसका छुटपुटिया गुस्सा आता है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, दोनों में से आपके करीब कौन है? क्योंकि वो छोटा है, और नो डाउट घर के छोटे सबके प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, पर आपको क्या लगता है? माई थर्ड क्वेश्चन इज़,
दोनों में से सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है? मैंने दोनों की बात की। नहीं नहीं, ये एक क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। और लेकिन इसका जवाब तो मुझे पहले ही मिल गया था कि ये दोनों आपके बिना अधूरे हैं और आप इनके बिना अधूरी है। और ये पूरा वर्ल्ड जानता है, ये पूरा दुनिया जानता है कि ये तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इन तीनों के अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है ये तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। एंड माय फोर्थ क्वेश्चन इज, यदि आप कहीं शूट पे जाते हो, आपको बस फटाफट तैयार होके जाना होता है, तो भाई मेकअप में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? मेकअप, कपड़े पहनने में, तैयार होने में, इसको? हाँ, इसके बाल तो भी कट गए हैं, लेकिन जब बाल जब थे ना, तो हम तीनों में सबसे ज्यादा टाइम इसको लगता है अपने बाल को सेट कर रहे हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कई बार ऐसा होता है आप शूट पे जा रहे हो, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, परफॉर्म करने के लिए वेट करना पड़ता है, या किसी भी रीजन से आपको वेट करना पड़ता है, तो भूख सबसे ज्यादा उस टाइम पे किसको लगती है? मतलब हर बात पे तुम्हें ही पॉइंट आउट किया जा रहा है, मतलब ज्यादा परेशान करते हो उसको? आप क्या आंसर दे इसका? आंसर भाई क्या दे, क्योंकि छोटा है, प्यारा है, इसके पास आंसर क्या होगा? एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है, मतलब आप कहीं चली जाती हैं, या ये दोनों भाई, जैसे आपने बताया था कि इंडियन आइडल में ये जाने वाले थे, जहाँ इनको काफ़ी महीने वहाँ रहने के लिए कहा गया था, पर आप लोग नहीं रख पाए उसको, तो यदि ये दोनों में से कोई एक आपसे थोड़ा सा दूर चला जाता है, तो आप मिस किसको सबसे ज़्यादा करती हैं? ठीक है, जो दूर के, मतलब जो साथ में रह रहा है, उसको आप मिस नहीं करती? नहीं, देखिए, हम तीनों का ये इक्वेशन है कि हम तीनों में कोई भी एक दूसरे को जज कर ही नहीं सकता है, पहली बात, कि कौन कितना टैलेंटेड है, क्योंकि हम तीनों जो कुछ कर रहे हैं एक साथ है तभी कर पा रहे हैं। हम लोग कोई भी गाना करते हैं, इसका भी आइडिया होता है, दीदी इसके जगह ये कर, या फिर इसको रिपीट करते ज़्यादा अच्छा लगा, इसका भी आइडिया होता है, दीदी इसमें प्रकर्शन ये नहीं, इसमें मंजीरा नहीं, इसमें ये शेकर यूज़ होना चाहिए, मेरा भी आइडिया होता है, तो हम लोग का अलग अलग एक इक्वेशन है। और मिस करने की बात रही तो नहीं, मुझे ये बहुत बहुत, मतलब इस पे इसका मतलब सबसे ज्यादा घर में मार यही खाता है, लेकिन मिस भी बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि ऋषभ आपके भी क्लोज बहुत ज्यादा अयाची रहा होगा, क्योंकि घर का छोटा है, राइट? लड़ाई होती रहती है। तो कहते हैं ना, लड़ाई जिससे ज्यादा होती है, जिसको किसी का मूड खराब हो किसी बात पे, घुलने के लिए बस ये मिलते पिटाई बहुत ज्यादा खाते हो? बहुत। आज अभी मेरे को बुखार है, तब भी पिट जाते हो? फीवर में भी पिटते हो? प्यार भी तो मिलता है ना दीदी, इतना प्यार करती है भैया, इतना प्यार करते हो, पता नहीं गलतियाँ अपने आप हो जाती है, मगर सबसे अच्छी बात है गलतियाँ। अच्छा, गलतियाँ की बात है तो क्या कभी परफॉर्मेंस के दौरान कोई गलती अपने आप हो जाती है, ऐसा कभी हुआ है? और बाद में पिटाई पड़ी हो या डांट पड़ी हो कि अरे याची तूने बहुत ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक किया, ऐसा कभी हुआ है? पापा कभी कभी डांटते हैं बस। जी, तो पापा की इन्होंने बात की, तो मैं आपको बता दूं कि इनके फादर का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट से ये तीनों आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इनको कहीं आउटसाइड के किसी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जो किया इन्होंने अपनी मेहनत से किया है, अपने फादर एंड मदर के सपोर्ट से किया है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? बिल्कुल, और हर प्रोग्राम के बाद हमको रिव्यू लेना होता है पापा से, पापा आज ठीक था, अच्छा आज, फिर पापा हम तीनों को हमारे मिस्टेक्स बताते हैं, तुमको ये नहीं हुआ, तुमसे ये नहीं हुआ, तुमको ये करना चाहिए, तो हम लोग अगले प्रोग्राम के लिए वो चीज़ ध्यान रखते हैं। जी, मैथिली हमेशा कभी ना कभी देखा जाता है कि हमें लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पिरेशन मिलती है, या हमारे कोई रोल मॉडल होते हैं, उसको देख के हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी लाइफ का क्या रहा है? मैं जब म्यूज़िक सुनती हूँ तो मुझे किशोरी अमोनकर जी हैं, जित थी तो अभी वो नहीं रही, तो उनका क्लासिकल म्यूज़िक मैं बहुत सुनती हूँ, और वो मेरी एक क्लासिकल में वो मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। बाकी जो हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हम लोग को पूरा मोटिवेशन अपने फैमिली से मिलता है, हमारे दादाजी का भी बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मेरी फैमिली में सब लोगों ने चाहा कि हम लोग कुछ अच्छा करें, मेरे पापा ने भी चाहा कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूं, मेरे दादाजी ने भी चाहा था कि मैं बिल्कुल ऐसा, लेकिन किसी न किसी वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो हम तीनों का है वो चीज़ कि हम तीनों बिल्कुल अपने परिवार का नाम रोशन करें, सब लोग हमारे खानदान को याद रखें, और
बस। जी बिल्कुल, और इतना ज्यादा आप लोगों ने नाम रोशन कर दिया है कि मुझे लगता है कि अब कोई एक्सप्लेनेशन या परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पूरा दुनिया देख रहा है कि किस तरीके से आप लोग धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और R9 की टीम भी आपको यही विश देना चाहता है कि बहुत जल्द आप एक उस मुकाम में पहुंच जाए जो शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, राइट? लेकिन कोई सपना है जो अभी भी अधूरा रह गया हो? मुझे बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना है। ये भी उतना बड़ा सपना नहीं है, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट गोल हम लोग का ये है कि कुछ ऐसा करें। मेरा ड्रीम तो बेसिकली बचपन से ही रहा है कि मैं पिक्चरों में गाना गाऊं, हीरोइन की आवाज़ हो, मेरी आवाज़ हो, लेकिन ये भी उतना बड़ा ड्रीम अब नहीं रहा है, क्योंकि अल्टीमेट गोल मेरा ये है कि जितने भी लोग हमें सुनते हैं उनके दिमाग में छाप छोड़ जाएं, हम सबको अच्छा लगे। कोई भी मैथिली, ऋषभ, अयाची सुने तो सबको बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाए। अब ये बताओ जरा, आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी आप जरूर फॉलो करते होंगे? मुझे तो लगता है कि जितना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसी भी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई भी बिजनेस पर्सन हो, कोई भी हो, उनकी फैन फॉलोइंग उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आप तीनों की है। तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं जाता है। बिल्कुल, सोशल मीडिया ने बहुत कम समय में हम लोग को बहुत कुछ दिया है, और मतलब कम से कम 1.5 साल या दो साल हो गए हम लोग को फेसबुक पे लाइव आते हुए, यूट्यूब पे लाइव आते हुए, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हुए, इंस्टाग्राम पे आते हुए, और बस इतने कम समय में हम लोग के जो फॉलोअर्स इतने सारे हम लोग जोड़ पाए, सब क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। और अब के समय में हम लोग कोई भी बच्चा हो, उसको जो बोलते हैं कि हम लोगों को TV पे आएंगे तो फेमस होंगे, हम लोग किसी रियलिटी शो में आएंगे तब ही फेमस होंगे, वैसे कोई हमें नहीं जान सकता। तो ये चीज़ अब नहीं रही है। अब सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग अपने दम पे अपनी पहचान बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अपने दम पे अपनी पहचान बना तो चुके हैं, पर ये इतना आसान नहीं है। किस तरीके से ये लोग फेसबुक पे लाइव आते हैं कि लाइव आते कि जस्ट तुरंत बाद ही हजारों हजारों लोग एक साथ, लाखों लाखों लोग एक साथ देखते हैं, मिलियंस व्यूज मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग शेयर करते हैं, पर इसकी पीछे की जो कड़ी मेहनत है वो आपको एक छोटे से गाने के बाद दिखाएंगे। मतलब मेरे पास शायद कोई शब्द नहीं बचा है कि मैं कैसे तारीफ करूं। खैर, ये जो मेहनत है कि इतनी आसान नहीं है, और इस गाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि मैथिली किस तरीके से सोशल साइट्स पे लाइव आती है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ट्विटर हो, या यूट्यूब पे हो, कैसे वीडियो अपलोड करती है। ये एक लंबा टास्क है, क्योंकि इसके पीछे कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं जुड़ा है या कोई इसे हेल्प कर रहा है, ये तीनों की खुद की मेहनत है जो वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और सारे कॉमेंट्स जो भी चीज़ें हैं उसको इनके पापा हैंडल करते हैं। तो मैथिली में ये जानना चाहूँगी कि वीडियो कैसे बनाते हो, कैसे अपलोड करते हो, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि जब भी आप लाइव आते हो, ऋषभ, अयाची, या आप आते हो, कभी भी लाइव आते हो, या तीनों साथ में आ रहे हो, या किसी का कुछ भी हो, लाइक आप लोगों का चेहरा हो, तो मुझे लगता है कि शायद एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, मतलब
कितने लाखों लोग एक साथ कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, मतलब उनकी जो खुशी, और मैं कमेंट्स पर्सनली पढ़ती भी हूँ कि सब लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं, हाय मैथलीज, लव फ्रॉम USA, लव फ्रॉम अफ्रीका, लव फ्रॉम दिस एंड दैट, मतलब इतना ज़्यादा प्यार लोगों से मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते होंगे, तो कैसे वीडियो बनाते हैं वो मैं जानना चाहूँगा। हम लोगों ने अपना सब कुछ खुद से किया है, अकाउंट भी खुद से क्रिएट किया था, पेज होता है फेसबुक के ऊपर, एक होता है आईडी, एक होता है पेज। हम लोगों ने पेज बनाया क्योंकि आईडी में ये प्रॉब्लम होता है कि आप 5000 लोगों को फ्रेंड बनाते हैं और कोई भी अनफ्रेंड हो जाए तो उनको तकलीफ हो सकती है, और 5000 से ज़्यादा लोग नहीं जुड़ सकते। हमने पेज बनाया जिस पे अनलिमिटेड लोग जुड़ सकते हैं, और पेज पे ऑप्शन होता है लाइव आने का। लाइव का आप ऑप्शन में जाओगे, कुछ आपको लिखना है ऊपर में तो आप लिख दो, और उसके बाद लाइव स्टार्ट करके हम लोग यहाँ पे इसका हारमोनियम का एक कवर है, एक हाइट पे है वो, तो उसको यहाँ पे अटका देते हैं, उसके ऊपर फ़ोन रख देते हैं हम, और सामने बैठ के हम लोग तीनों साथ में लाइव होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर हुए हैं, और हम लोग को देख करके बहुत सारी ऐसे घरेलू महिलाएं भी हैं जिनको कविताएं लिखने का शौक़ होता है, जिनको अपनी बातें रखने का शौक़ होता है, या फिर किचन से रिलेटेड कुछ शौक़ होता है, तो वो भी लाइव आकर के आजकल बताने लगे, और काफ़ी गर्व महसूस होता है सब पे कि सब लोग इतना अच्छे से मोटिवेट होकर के अपनी चीज़ों को भी उभार रहे हैं। को तो शायद तमाम चैनल्स में आप इंटरव्यू देती होंगी, बड़े बड़े चैनल्स में देती होंगी, बड़े बड़े बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ भी आपकी तारीफ़ करते हैं, और मैं तो देख रही हूँ कि चाहे वो इंडस्ट्री में हो भी ना हो, यदि अदर इंडस्ट्री का हो, अदर फैक्टर का हो, वो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। खैर, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, पर मैं चाहूँगी कि जाते जाते एक बढ़िया सा गाना आप हमारे दर्शकों को सुना दें। मैं क्या बोलूँ, मन तो नहीं हो रहा है मेरा यहाँ से ऑफिस जाने का, आपके घर पे बैठी हूँ, लग रहा है बस बैठ के यूँ ही गाने सुनते रहो, पर हमारी भी मजबूरी है, आपसे अलविदा लेना पड़ेगा। पर जाते जाते मैथिली में चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहें। सभी व्यूअर्स को है कि R9 TV देखते रहिए, हम लोग के गाने सुनते रहिए, और ऐसे ही अपना आशीर्वाद देते रहिए। बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे अभी तक आप हम तीनों को फॉलो कर रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया पे, तो ऐसे करते रहिए, R9 TV भी देखते रहिए। जी बिल्कुल, एक इम्पॉर्टेंट बात ये पूछना चाहूँगी आपसे, तबला बजाना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट तबला में बहुत ज़्यादा है, उनको आप मैसेज कुछ देना चाहेंगे कि कैसे वो प्रैक्टिस करें, कितना ज़्यादा टाइम दें? अब मैं खुद सीख रहा हूँ तो मैं किसी को टिप्स तो दे नहीं सकता कि कैसे हो, लेकिन प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना हाथ साफ होगा, बस डेडिकेशन चाहिए। जी बिल्कुल, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया जी, आपको तो मुझे लगता है कि मतलब सारे दर्शकों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, पर आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे, प्यार देना चाहेंगे? बस खाते पीते रहिए, दंदनाते रहिए, और फॉलो करते जाइए, प्यार करते जाइए, जिसने प्यार नहीं किया उसको आराम। बहुत सही। खैर मैथिली, एक दंदनाते रहिए, दंदनाते रहिए। जी बिल्कुल, आप भी दंदनाते रहिए। खैर, थैंक यू सो मच मैथिली, अयाची, ऋषभ, आप लोगों ने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया, और घर पे रिपोर्टिंग करने का जो मज़ा आज मिला है ना, वो शायद दर्शकों के लिए भी। टीवी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि एक नेशनल चैनल अपने आप को रिस्क में रखे, ये मैंने बहुत कम देखा है, और मुझे रिपोर्टिंग करने का मौका दिया, मैम आपका बहुत बहुत। जी बिल्कुल, कोई रिस्क नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा होस्ट भी कर सकती हैं, तो मतलब टैलेंट की तो मतलब भरपूर, जो कहते हैं ना कि पूरा गोदाम है टैलेंट की आप, तो मैं आप अपनी मैथिली में अपने दर्शक को कुछ कहना चाहेंगे? फेरो साहब सबके प्रणाम कहे छी, अहाँ सब एना ही हमरा सबके आशीर्वाद दैत रहू सोशल मीडिया पर, एना ही प्यार बरसावत रहू, फॉलो करते रहो, और हमारे सबके गीत सुनते रहो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को, और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आप चमकते रहिए, दमकते रहिए, और देश का नाम रोशन करते रहिए। खैर, दर्शकों कहते हैं ना कि कभी हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, और पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, तो शायद कामयाबी जो है वो हमें ज़रूर मिलती है। उसी का सबसे परफेक्ट उदाहरण है ये भाई बहन की जोड़ी। ये भाई बहन की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी बन चुकी है जो पूरे वर्ल्ड तक फेमस हो चुकी है, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बहुत कम उम्र में जो नाम कमाया है वो धीरे धीरे बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे, और दर्शकों का प्यार इनसे मिलता ही रहे। कैमरा पर्सन अरशद खान के साथ मैं पूजा, R9 TV दिल्ली।